तो गाइस आज जो एक विदेशी चैनल कंटेंट के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको, उसका अर्निंग आप यहां पर सबसे देखिए, यहां पर देखिए सबसे पहले आप यहां पर अर्निंग देख सकते हैं। अगर इसके 30 डे के अर्निंग आप देखेंगे, मतलब एक महीने के अर्निंग यहां पर देखेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं 12.3 के डॉलर से लेके यहाँ पे 197.1 के डॉलर तक यहाँ पे जो है ये अर्निंग करते हैं वन मंथ में। अगर दोस्तों इसे आप जो है सो व्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 डे के अंदर में यहाँ पे जो है सो 49.279 मिलियन यहाँ पे व्यूज आ रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इस रिकॉर्ड हम लगा दिया हूँ, ठीक है। इतना ज्यादा आप देख रहे हैं, इतने ज्यादा व्यूज वाले शायद ही आप चैनल देखे होंगे, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के व्यूज, इस टाइप के अर्निंग इसी कंटेंट पे होती है, ना कि दूसरे कंटेंट पे। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो अर्निंग है, यहाँ पे 12,000 अगर डॉलर ही मानेंगे हम, उसको आगे वाले के छोड़ देंगे, 12,000 डॉलर ही अगर मानेंगे हम, इसे अगर इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करेंगे तो 100% मैं बोल सकता हूँ, जो आप एक बार करके देख लीजिएगा, 30 लाख से अबव आपका पर मंथ अर्निंग होगा इस डॉलर के हिसाब से, आप यहां पे करके देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे ये सारी चीजें तो आप समझ लिए, ठीक है, और समझने के बाद यहां पे आप चैनल भी देख सकते हैं, ये चैनल है, ठीक है, ये चैनल का बैनर हो गया, लोगो हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपको मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों यहां पे बता दूं कि इस टाइप के कंटेंट को अगर आप क्रिएट करते हैं तो इस तरह से ही आप अर्निंग कर सकते हैं। आप कैसे क्रिएट करेंगे, कहां से क्या लेंगे, किस प्रकार से करेंगे, यहां पे दोस्तों आपको जो है तो नहीं अपना फेस डालना है, नहीं अपना वॉइस डालना है, थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, क्रिएटिव माइंड को यूज करना है और यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करके इस कॉन्टेंट को क्रिएट करना है। आप अगर पार्ट टाइम जॉब की तरह इस चैनल पर काम करेंगे तो भी आप काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर अगर आप रेगुलर वीडियो नहीं भी डालते हैं, कुछ कुछ वीडियो डालते हैं, दो दो वीडियो डालते हैं वन मंथ में, फिर भी इस चैनल पे काफी ज्यादा अर्निंग होने वाली है, क्योंकि ये चैनल है दोस्तों विदेशी कंटेंट, ठीक है, और विदेशी कंटेंट पे कितना ज्यादा अर्निंग होता है आपको खुद पता ही होगा। ओके, और एक विदेशी कंटेंट पे एक और वीडियो हम बनाए थे, जो गाइस आपको हम वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कंटेंट है इसमें भी हम बताएं बहुत सारी कंटेंट क्रिएट करने, जो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, इस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से भी आपको काफी ज्यादा लाभ होने वाली है। ओके, अब दोस्तों यहां से हम चलते हैं, सबसे पहले आपको मैं एक चैनल दिखाऊंगा जो इस चैनल पे काम करते हैं, उसका चैनल दिखाऊंगा, किस प्रकार से वीडियो क्रिएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीजें दिखाऊंगा, व्यू दिखाऊंगा, हर एक चीज दिखाऊंगा, और ये चैनल मोनेटाइज होती है या फिर नहीं होती वो भी दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। तो यहाँ से चलिए हम बैक चलते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब YouTube चैनल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, YouTube एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं YouTube एप्लीकेशन को हम ओपन कर लिए। ये जो फर्स्ट वाली वीडियो है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा ही वीडियो है, ये मेरा ही वीडियो जो ऊपर में सबसे ऊपर में शो कर रही है। ओके, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर आके, इस टाइप के कंटेंट आपको बहुत सारी मिल जाएगी मेरे चैनल पर। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना होगा लिटिल मूवी गेम एंड फंस, ये सर्च करना होगा आपको, ठीक है। यहाँ से चलिए हम इसको सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस चैनल को, अगर सब्सक्राइबर की आप बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.64 मिलियन यहाँ पे सब्सक्राइबर है इस चैनल पे, तो आप समझ सकते हैं कितने ये ऑडियंस इस चैनल पे हैं और कितने ये ग्रोथ कंटेंट हैं। ओके, और यहाँ पे चैनल पे क्लिक करेंगे, और चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ पे वीडियो की बात करेंगे तो यहाँ पे 1700 वीडियो ओनली अपलोड किया गया है, और यहाँ पे 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे, चलिए वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा कम व्यूज मिलेगी, जो ही आपको एक सप्ताह या दो सप्ताह हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसमें व्यूज काफी ज्यादा हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा कम व्यूज है, ठीक है। अगर इसको आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे देख सकते हैं 2 वीक हुआ है, जहाँ पे 85,000, 82,000, 97,000, 1,00,000, उसके बाद यहाँ पे 1,92,000, 2,78,000, उसके बाद 4,43,000, इस प्रकार से यहाँ पे व्यू जाना स्टार्ट हो गया है। अगर दोस्तों मोस्ट पॉपुलर पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ईयर के अंदर में 144 मिलियन व्यूज आ रही है। यहाँ पे आप 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 50 मिलियन छोड़ दीजिए, यहाँ पे 100 मिलियन की बात कीजिए, यहाँ पे 100 मिलियन, 200 मिलियन व्यूज आती है। यहाँ पे देख सकते हैं 144 मिलियन यहाँ पे व्यूज आया हुआ, यहाँ पे 73 मिलियन व्यूज आया हुआ है, यहाँ पे जो है तो 52 मिलियन व्यूज आया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 51 मिलियन व्यूज आया है,
तो इस प्रकार से इस कंटेंट पे व्यूज आया है। तो आप ये सारी चीजें देख लिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बताऊं जो इस कंटेंट को आप क्रिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के एक को हम प्ले करके दिखाते हैं जो किस प्रकार से ये वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस कंटेंट को यहाँ पे हम प्ले कर लिए हैं। आपको मैं स्पीकर ऑन करके यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दोस्तों कुछ भी सिंपल है यार, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कंटेंट है, सिंपल आप आराम से इसे क्रिएट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको हिट्स दूंगा, मैं बताऊंगा, आराम से आप क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को बस लास्ट तक आपको देखना होगा तो ही आप समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया हुआ है। यहाँ पर देखने वाली बात, यहाँ पर देखिए ना तो अपना फेस यूज किए हैं, ना ही यहाँ पे वॉइस ओवर किए हैं, कुछ नहीं यूज किए हैं, बस कॉपी पेस्ट करके जो है इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे अब इस चैनल के मोनेटाइज की बात करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं इस चैनल के नीचे में थैंक्स का ऑप्शन है, और थैंक्स का ऑप्शन उसी चैनल पर रहता है जो चैनल मोनेटाइज होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम थैंक्स दे सकते हैं। यहाँ पे 40 रुपया, 100 रुपया या 200 रुपया जितने हमको पे करना होगा इसे हम थैंक्स दे के यहाँ पे हम पे कर सकते हैं। तो इसका चलन मतलब क्या है, मोनेटाइज है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे इतने सारे चीज आप समझ गए। अब यहाँ से आपको बैक चलना है। इस वीडियो का आप क्रिएट कैसे करेंगे वो मैं आपको सबसे बताऊंगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले चलना होगा प्ले स्टोर पे। ओके, तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे आगे। तो आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आप आगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। सर्च क्या करना होगा, यहाँ पे गोइंग बॉल, यहाँ पे चलिए हम गोइंग बॉल सर्च कर लेंगे। गोइंग बॉल सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे गेम आपको फर्स्ट में दिख जाएगी, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम इंस्टॉल कर लिए, आपको ये इंस्टॉल कर लेना है और एक गेम आपको इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक और यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे हम टेल मेन रन, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस गेम को भी हम क्या किए हैं, यहाँ पे ओपन कर लिए, मतलब इंस्टॉल कर लिए अपने फोन में। ओके, तो ये दोनों को आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ से बैक चलना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस गेम को यहाँ पे खेलना है। यहाँ पे देखिए इस गेम को हम प्ले कर लिए, ठीक है। प्ले जो करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ये आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आने के बाद आपको थोड़ी वेट करनी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग ये हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं इस गेम को हम यहाँ पे ओपन कर लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका आवाज जो है इसको म्यूट कर देना होगा। यहाँ पे देख सकते सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं म्यूजिक का आपको दिख जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे आपको इसको ऑफ कर देना है। ओके, ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं ये गेम यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको लैब 1, लैब 2, लैब 3 और लैब 4 आपको दिख जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ पे लैब करना हो, जो भी आपको खेलना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं लैब 2 पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये गेम स्टार्टिंग हो चुका है। इसको आपको क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है, अच्छे ढंग से यहाँ पे खेलते रहना है और स्क्रीन रिकॉर्ड आपको करते रहना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम ऊपर की तरफ इस तरह से हम करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ये बॉल यहाँ पे फास्ट हो जाती है और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये फास्ट में यहाँ पे चलना स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ से आपको बैक चलना है और आपको सेकेंड गेम जो आपको बताया था उसको आपको यहाँ पे ओपन करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं उस गेम को हम ओपन कर लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उस गेम को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है सो इस टाइप के ये इंटरफेस आ जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आपको स्पीकर पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से और इसे म्यूट कर देना है। उसके बाद आपको ये खेलना स्टार्टिंग करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लैब 1, लैब 2 इस प्रकार से यहाँ पे जो है सो किया हुआ है, 8 तक किया हुआ है। यहाँ से आपको जो भी खेलना है वहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये गेम स्टार्टिंग हो गया है। इसको आपको इस प्रकार से उंगली से करना है और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको खेलते जाना है इस प्रकार से फास्ट में। ओके, इस प्रकार से आपको खेलते जाना है ऐसे ही करके आपको स्क्रीन रिकॉर्ड इसको भी कर देना है अच्छे ढंग से खेल खेल के। ओके, यहाँ पे देख ली दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको इस गेम को भी क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है लंबे देर तक आपको खेलने के बाद। ओके, जितने देर आप खेलेंगे उतने बार ये वीडियो आपको ये बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चलना है। बैक चलने के बाद अब दोस्तों ये सारी चीज यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेज की थोड़ा बहुत जरूरत होगी तो यहाँ पे क्या करते हैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो आपको हर एक वीडियो में ये बताते हैं, आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज सर्च मैन पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्या करते हैं इस इमेज सर्च मैन को यहाँ से ओपन करके यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, VS। ओके, यहाँ पे VS आपको सर्च करके यहाँ पे जो इस प्रकार से कर देना है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज इमेज यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ से आपको कोई भी एक VS PNG वाली जो है सो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे VS PNG आपको सर्च करके डाउनलोड यहाँ पे कर लेना है। ओके,
इतने सारे चीज डाउनलोड करने के बाद आपकी सामग्री यहाँ पे हो गया रेडी। अब आपको वीडियो क्रिएट करनी है, यहाँ से आपको चलना होगा अपनी कैन मास्टर एप्लीकेशन पे, और वहां से आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो को आप कैसे क्रिएट कर पाएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप कैन मास्टर इस प्रकार से आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो वीडियो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड हम किए थे वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आपको भी इस प्रकार से दोनों गेम को खेलना है और दोनों बारी बारी से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हम किए हैं और ये किए हैं, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम छोटा अभी वीडियो आपको क्रिएट करके दिखा रहे हैं। आपको लंबी वीडियो अगर क्रिएट करना है तो आप लंबी वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा, ओके। करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड, यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड हम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। ये वाली आपको सेलेक्ट करना होगा, कहाँ से कैसे सेलेक्ट करेंगे तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर देख सकते हैं मीडिया पर चलेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिख जाएगा इमेज सर्च मैन, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड हम अभी ब्लैक कलर सेलेक्ट किए, ओके। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको ये दोनों वीडियो जो आप स्क्रीन रिकॉर्ड किए रहेंगे वो वाली सेलेक्ट करना है। तो अब चलिए यहाँ से आपको मैं एडिट करके दिखाता हूँ कैसे एडिट किया जाएगा, ओके। यहाँ से दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसे जूम करना है अच्छे ढंग से, ठीक है। यहाँ पे इसको आपको इस प्रकार से जूम करना है जिससे जो है सो ये दोनों को दोनों गेम अच्छे ढंग से ये फुल इमेज में दिख जाए, ओके। तो आपको चलिए यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पर आना है, आपको थोड़ा और यहाँ पर जूम कर लेना, ठीक है, तो ये अच्छे ढंग से फिट हो पाएगी। यहाँ पर और इतना कर लेना, ओके। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वीडियो इस प्रकार से यहाँ पे आ चुका है, ओके। अब दोस्तों क्या करना है, आपको ये सेकंड वाले पे क्लिक करना है। सेकंड वाले के भी आपको इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे जूम कर लेना है जिससे ये वीडियो जो है आपके फुल वीडियो बन सके, ओके, ये जगह कंप्लीट हो सके। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पे हम फुल वीडियो यहाँ पे हम जो है सो सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बन चुका है, ठीक है। अब जो है सो यहाँ पे आपको इतना चीज करने के बाद यहाँ पर सिंपल वर्क आपको करना है जो आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने चैनल का लोगो भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहेंगे तो अपने चैनल का लोगो आप ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी वीडियो ये बन जाए, ओके। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना चैनल के लोगो ऐड कर लेना है। जैसे कि अभी फिलहाल मैं ये अपना ही लोगो यहाँ पे ऐड करके आपको मैं दिखा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे साइड में आएंगे और यहाँ पे छोटा कर देना है यार, बहुत छोटा कर देना है, यहाँ पे इतना ही रखना है, ठीक है। और इसे क्या करना है, इस प्रकार से जो है सो वीडियो आपकी जितनी बड़ी रहेगी उतने बड़ा यहाँ पे जो है सो आपको कर देना है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो गया, हो गया। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन भी क्लिक करके आपको यहाँ पे पुश पे क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है सो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा बहुत ऐड कर लेना है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है जो आप स्क्रीन शॉट करते समय जो है सो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड इसका म्यूजिक जो होता है वो म्यूजिक बंद कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्या करना है, आपको म्यूजिक इसका बंद कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका बंद कर देना, ठीक है। दोनों वीडियो का आपको बंद कर देना है जिससे जो है ये आपके चैनल मोनेटाइज हो सके, इसके कारण बस मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ओके। यहाँ पर कर देना है और यहाँ पर करने के बाद अब दोस्तों आपको बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, तो आपको मेरे टेलीग्राम पर चला जाना है, वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सारे हम डाल रखे हैं, तो वहाँ से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगी, ओके। यहाँ से ऑडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मैं फोल्डर पर चलूंगा और यहाँ से दोस्तों जैसे देख सकते हैं बहुत सारी म्यूजिक यहाँ पे आपको दिख जाएगी और आप जहाँ पे डाउनलोड करके रखे रहेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से अपने वीडियो में ऐड कर लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप अपने कैन मास्टर से भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं ये कैन मास्टर वाली म्यूजिक है, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसे हम यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यूज करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे क्या करेंगे हम थोड़ा यहाँ पे नौ रखेंगे, ओके। यहाँ पे ज्यादा नहीं रखेंगे जिससे हमारे आवाज़ यहाँ पे पता, जितना बड़े हमारे ये वीडियो है मान के चलिए ये वीडियो यहाँ पे मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस म्यूजिक पे क्लिक करेंगे और म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद इसे क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 या 10 रख, जितना उस साइड रखे तो उतना ही इस साइड भी, ओके। इतना रखने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, ओनली आपको करना क्या होगा, अगर आप फेस स्कैन वीडियो कोई रिकॉर्ड करके ऑलरेडी रखे हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिससे ये चैनल आपके जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो सके, ठीक है। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एक मैं फेस स्कैन वीडियो यहाँ पे शूट किए थे जो यहाँ पे आपको मैं ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये फेस स्कैन वीडियो यहाँ पर आ चुका, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, क्रॉप कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से यहाँ पर क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ से सबसे पहले हमको ये वाली डाल देंगे, यहाँ से हम वीडियो बोलना स्टार्ट किए हैं, तो इसे इतना कट करके, ओके, कट करके क्या करेंगे इसे यहाँ पर आएंगे और इसे हम क्या करेंगे इस प्रकार से इसे पकड़ के इसे हम स्टार्टिंग में ला लेंगे जिससे ये हमारे स्टार्टिंग से वीडियो रही। यहाँ पर देखिए हो गया, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रॉप वाली ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको जो है इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं इस प्रकार से हो गया। अब दोस्तों आपको बैक चलना है और इसे क्या करना है, छोटा कर देना है, बहुत ही छोटा कर देना है। आपको यहाँ पे सेट कर देना है, बीच में आपको अच्छे ढंग से यहाँ पे सेट कर देना है, नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपन चाहेंगे तो फेस स्कैन वीडियो जिस समय आप शूट करते रहेंगे तो उसी समय आप अपना वॉइस ओवर कर देंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। उस समय नहीं करेंगे वॉइस ओवर तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भी वॉइस ओवर कर सकते हैं, बट लेकिन फेस स्कैन में जो भी आप बोले रहेंगे उसको आपको क्या करना होगा, यहाँ से म्यूट कर देना होगा। यहाँ से आप म्यूट कर देंगे अगर आप बाद में वॉइस ओवर करेंगे तो। अगर आप फेस स्कैन जिस समय करते रहेंगे उसी समय अगर वॉइस ओवर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसके बाद आपको यहाँ से म्यूट नहीं करना है, ठीक है। अगर बाद में आप वॉइस ओवर करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो है सो आपको वॉइस ओवर करना होगा। तो आपको मैं यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ। वैसे तो दोस्तों आपको पता होगा यहाँ से वॉइस ओवर कैसे किया जाएगा, तो यहाँ से आपको कर ही लेना है, ठीक है, तो ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं तो दोस्तों आप फेस स्कैन जो किए हैं ना तो वहीं से आप कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर फेस स्कैन आप वीडियो डाल ही रहे हैं तो वहीं पर आप जो है सो फेस स्कैन ही बोल के जो है सो वॉइस ओवर कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर इसका म्यूजिक यहाँ पर देख सकते हैं हम, तो वैसे ये दूसरा वीडियो है बट इसका आवाज़ हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पे चलिए इसको ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको ओपन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसको हम क्या करें, यहाँ पे चलिए हम प्ले करके आपको दिखाते हैं जो हम किस प्रकार से यहाँ पे बोले दोस्तों। वैसे तो ये दूसरा किस वीडियो में हम बोल रहे हैं क्योंकि ये दूसरा वीडियो है, ओके। चलिए यहाँ प्ले करते हैं, यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस गेम को भी हम क्या किए हैं यहाँ पे ओपन कर लिए, मतलब इंस्टॉल कर लिए अपने फोन में, ओके। ये दोनों को आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ से बैक चलना है और यहाँ पे आपको क्या करना है इस गेम को यहाँ पे खेलना है। यहाँ पे देखिए इस गेम को हम प्ले कर लिए, ठीक है। प्ले जो करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ये आएगी, ठीक है। इस प्रकार से आने के बाद आपको थोड़ी वेट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए जो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है सो ये वीडियो हमारी बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस प्रकार से आप वीडियो अपना क्रिएट करेंगे तो 100% मैं लिख के देता हूँ जो आपके चैनल मोनेटाइज होगा तो होगा, 100% हो जाएगा मोनेटाइज। लेकिन आपको स्टेप्स के फेस स्कैन में आपको जो है सो वॉइस ओवर करना होगा। इस जैसे गेम खेलेंगे तो गेम के बारे में आपको बोलना है, जैसे कि आपको बोलना है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गेम हम खेल रहे हैं और इसमें देख सकते हैं आप देखेंगे जो आखिर इस वाले गेम में हम जीत पाएंगे या इस वाले गेम में जीत पाएंगे, किस प्रकार से हम जीतेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने मन से अच्छे ढंग से यहाँ पर वॉइस ओवर कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद जैसे गेम खेले तो बोलिएगा चलिए चलिए चले चले चले, अरे 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 ये हो गया, फिर यहाँ पर आप खेलेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको वॉइस ओवर कर देना है यार, आप इतना कर सकते हैं अवश्य रूप से हम जानते हैं। उसके बाद अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, जितना बड़ा आपके वीडियो रहेगा, जब मान लीजिए ये वीडियो मेरा इतना ही बड़ा, ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड जो आपका ब्लैक कलर है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके जो है सो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा, ठीक है। जो ही आप अपना बैकग्राउंड को डिलीट करेंगे तो ऑल टोल ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है सो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको लेयर पर क्लिक करना होगा और यहाँ से मीडिया पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों आपको उस समय जो हम बोले थे VS वाले PNG डाउनलोड करने के लिए वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम डाउनलोड किए हैं ऑलरेडी, इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुका है, यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे अच्छे ढंग से, जिससे जो है ये हमारे अच्छे ढंग से ये दिखे, इस यहाँ पे ऐड करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐड कर दिए, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको पूरे वीडियो आपको इस प्रकार से खींच के कर देना है जिससे ये पूरे के वीडियो में आपको ऐड रहे इस प्रकार से, ओके। अब देख लेते इस प्रकार से दोस्तों आपको ये कर लेना है, ओके। तो दोस्तों आप जरूर समझ गए होंगे किस प्रकार से इस कंटेंट को क्रिएट किया जाएगा और कैसे अपने चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इस कंटेंट को दोस्तों आप इस प्रोफेशनल रूप से जो है क्रिएट कर सकते हैं और जितने लंबे वीडियो आपको बनानी हो उतनी देर आपको गेम खेलना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, जो आपको वीडियो क्रिएट करनी है, ओके। और क्रिएट करने के बाद आपको आसानी से अपने चैनल पे महीने में अगर आप 5-10 वीडियो भी अपलोड कर देते हैं तो आपके चैनल काफी ज्यादा अच्छी रहेगी और आपके चैनल से अर्निंग भी काफी ज्यादा होती रहेगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल गाइस ओके बाय।